तो हाय दोस्तों, मैं आया हूँ अभी अहमदाबाद चांदखेड़ा एरिया और स्पेसिफिकली चांदखेड़ा के पास में है अडालज और मैं आया हूँ अडालज की वाव, जिसे गुजराती में वाव कहते हैं बट इट्स अ स्टेप वेल इजीली आपको बताने के लिए। ये बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है अडालज स्टेपवेल, जो कि बहुत ही पास है चांदखेड़ा के और गांधीनगर सिटी, अहमदाबाद सिटी से काफ़ी करीब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गर्मियों में आया हूँ, थोड़ा टाइम गलत चूज़ किया है मैंने। टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है यहाँ अहमदाबाद में। कल 44 डिग्री था, आना था यहाँ पे लेकिन हो नहीं पाया था, तो आज आया हूँ मैं फिर भी कैसे भी करके कि नहीं मुझे जाना ही है। तो अभी फ़िलहाल 41 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और मैं आपको यहाँ ले जा रहा हूँ अडालज स्टेपवेल में। थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये बहुत ही सुंदर जगह है आर्किटेक्चरल, जिसका बिल्टअप 1498 में शुरू हुआ था। मैं आपको दिखाता हूं और फिर इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको दूंगा। बहुत ही बेहतरीन देखने के नज़ारे हैं। तो ये जस्ट स्टेप शुरू हो रहे हैं एंड दिस इज द प्लेस। See, you're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you? तो ये सेंटर पोर्शन है। यहाँ से हमें 5 story डीप नीचे जाना है, जहाँ पे ये वेल है, स्टेप वेल है। और इस बीच यहाँ बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है। 1498 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। वाघेला डायनेस्टी के राजा राणा वीर सिंह, जिनकी याद में ये बनाया गया है। ये देख सकते हैं, मैं ये वीआर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको जितना भी आर्किटेक्चर देखना है तो आप जस्ट अपना मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ा घुमाएंगे तो आपको पूरा आर्किटेक्चर दिखेगा। मैं ट्राई करूँगा कि अपने हिसाब से भी मैं इसको फुटेज वीडियो ये करूँ और वीआर वीडियो भी बनाऊं। तो जनरली हमने सुना होगा कि कोई राजा अपनी रानी की याद में कुछ चीज़ें मेमोरी में बनाते हैं, जैसे ताजमहल आपको पता है मुमताज़ की याद में बनाया गया था। लेकिन ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आपको देखने मिलेंगे, इंडियन, इंटरनेशनल, हर तरह से, हर जगह से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको नीचे। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि जैसे राजा, कई बार हमने सुना है कहानियों में कि अपनी रानी के लिए मेमोरी में कुछ ना कुछ बनाते हैं, बट ये एक अलग दास्तां है। यहाँ पे ये रानी रूपाबाई या रूडादेवी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अपने राजा की याद में इसे बनाया है, कंप्लीट किया है। एक्चुअली हिस्ट्री इसकी अलग ही है। 1498 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और जैसे मैंने कहा वाघेला डायनेस्टी के राजा वीर सिंह जो है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। डांडई देश के जो राजा थे देश बहुत छोटा था और पानी की काफ़ी किल्लत यहाँ हुआ करती थी, तो उसी लिए यहाँ ये स्टेप वेल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। ज़्यादातर सब उनको बारिश के पानी पे ही निर्भर रहना पड़ता था। ये देख सकते हैं आप, अगर मैं आपको और बता सकूं, तो ये 5 स्टोरी स्टेप वेल है डीप इनसाइड, और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इसका एक्चुअल में निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन फिर बेगड़ा करके एक मुस्लिम देश के मोहम्मद बेगड़ा ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी थी और युद्ध में वीर सिंह को हरा दिया था, तो इसका निर्माण अधूरा रह गया था। तो रूपा भाई जो थे उन्होंने सोचा कि मैं अपने राजा के साथ यहाँ सती कर लेती हूँ सभी औरतों के साथ, जो कि पुराना कल्चर है जौहर करने का, उन्होंने वैसा सोचा था। लेकिन मुस्लिम राजा मोहम्मद बेगड़ा ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और उन्हें शादी का प्रपोजल दिया था, जिसे थोड़ा सोच समझ के रानी रूपाबाई ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक कंडीशन रखी कि वो पहले ये स्टेप वेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करे, उसके बाद ही वो उनके साथ शादी करेगी। रानी बहुत ही खूबसूरत थी और मोहम्मद बेगड़ा उनसे शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाता हूँ ताकि वो रानी से शादी कर सके। तो उन्होंने रानी की ये कंडीशन को मान लिया और इसका कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू कराया 1499 में, जो शायद 4-5 साल में कंप्लीट हो गया था। और जैसे कि ये तय हुआ था कि once the construction is get completed, once the step well being built, रानी उनसे शादी कर लेगी। लेकिन बहुत ही चालाकी से रानी ने उनसे शादी करने की बजाय उन्होंने अपने पति का, अपने राजा का सपना पूरा किया, जो ये स्टेप वेल बनाने का सपना राजा ने देखा था। उनकी याद में रानी ने उनका ये सपना पूरा किया और जब मोहम्मद बेगड़ा आया उनसे शादी करने के लिए कि भाई अब तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, हम लोग अब शादी कर सकते हैं, रानी ने यहाँ पे एक प्रेयर वगैरह अरेंज की, ऑर्गेनाइज की, सबके साथ यहाँ पूजा पाठ वगैरह करवाया। और पूजा पाठ ख़त्म करते ही इस स्टेप वेल में उन्होंने अपना आत्मदेह कर दिया। तो जो स्टेप वेल एक बहुत अच्छे क्या बोल सकते हैं सीन पे शुरू हुआ था, उसका एंड बहुत ही दुखद हुआ और रानी ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि रानी ने अपने राजा का जो सपना था वो पूरा किया। मोहम्मद बेगड़ा फिर कुछ कर नहीं सकता था, उसने ये आर्किटेक्चर, उन्हें ये इतना बेहद पसंद आया कि फिर उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं किए जाएं, और उन्होंने पूरे स्टेप वेल को एज इट इज़ रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है पत्थरों पे। See, you're all that I could see when I could hardly walk on my own. trench below. Haven't I suffered enough to let you go? I've been waiting a 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran. पहले ये फ्री हुआ करता था, अब यहाँ टिकट्स लगा दी गई है। कम है वैसे, ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं है, 25 रुपीज़ मैनेजेबल है, तो आप आ सकते हैं यहाँ। ये थोड़ा ऊपर से मैं नज़ारे दिखा रहा हूँ आपको, स्टेप वेल के थोड़ी नक्काशी। टेम्परेचर ज़्यादा ही है यहाँ पे, अभी 41 डिग्री है यहाँ पे, बट मैनेजेबल है। ज़्यादा लू नहीं चल रही है, गर्म हवाएं नहीं चल रही है, तो आ सकते हैं आप यहाँ, पेड़ों की छांव में बैठ सकते हैं। ये है अच्छी खासी नक्काशी के नज़ारे हैं। थोड़ा बहुत ये हो गया है। घिस गया है आर्किटेक्चर थोड़ा, जो नक्काशी की गई है, देख सकते हैं। ये थोड़ा घिस गया है, शायद रख रखाव इतना नहीं है, या पत्थरों की भी एक एज लिमिट होगी शायद, लाइफ स्पैन, उस हिसाब से शायद मिट्टी घिस के जो आर्किटेक्चर है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो ये है अडालज स्टेपवेल। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और कभी यहाँ आने की कोशिश करें, यहाँ एक बार घूमने के लिए ज़रूर आए। ये बाई रोड अहमदाबाद गांधीनगर से बहुत ही करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। बाई फ्लाइट अगर आप आ रहे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है अहमदाबाद, वहाँ से भी कनेक्टिंग है। बाई रोड आप यहाँ आ सकते हैं। गांधीनगर से 5-7 किलोमीटर दूर है, और अहमदाबाद से 15 किलोमीटर के आसपास आप पकड़ के चलिए, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बाहर से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। कोशिश करता हूँ तो थैंक यू गाइज फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द प्लेस, एंड कोशिश करूँगा और कई नई जगह अगर मैं जाऊँ तो उसका वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊँ। If you are new to my channel, please subscribe to my channel. Support your brother. थोड़ा traveling करूँ मैं, अच्छा लगता है यार। अगर एक सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बने तो थोड़ा व्यूज़ मिल जाता है, लगता है लोग वीडियो देख के खुश हैं। मैं कुछ ठीक ठाक की वीडियो बना लेता हूँ, so please do support. Please subscribe to my channel. It's Divyakant Solanki. You can follow me on Instagram. My Insta handle is divyakant123. Thank you very much. I do come.